स्पाइडर्स कार्निवोरस हैं ये एनिमल फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं ये प्लांट्स के ऊपर फीड नहीं करते आमतौर पर ये ऐसे इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं इस वजह से इनको फार्मर्स फ्रेंड का नाम दिया जाता है स्पाइडर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इनमें से इनकी जो फंक्शनल रिस्पांस और नूमेरिकल रिस्पांस की प्रॉपर्टी अहम है फंक्शनल रिस्पांस से क्या मुराद है फंक्शनल रिस्पांस से मुराद ये है कि जैसे जैसे फील्ड के अंदर पेस्ट की डेंसिटी इंक्रीज होती है ये एनिमल्स अपना कंजम्पशन रेट इंक्रीज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल हालात के अंदर एक स्पाइडर अगर तीन इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है डेंसिटी ज्यादा होने से ये तीन की बजाय छ या इससे भी ज्यादा इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं इसी तरीके से ये न्यूमेरिकल रिस्पांस शो करते हैं इनका जो नंबर है वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे के ऊपर जब प्रे अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है ये ज्यादा फूड कंज्यूम करते हैं और इनका रिप्रोडक्टिव रेट भी इंक्रीज कर जाता है इसका मतलब यह है कि फील्ड के अंदर डेंसिटी इंक्रीज करने के साथ साथ स्पाइडर्स भी अपनी जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं उसके बाद स्पाइडर्स के अंदर यह क्वालिटी मौजूद है कि इनके बारे में यह कहा जाता है कि दे आर एक्सीलेंट सर्वाइवर्स अंडर द कंडीशंस ऑफ फूड शॉर्टेज यानी अगर इन्वायरमेंट के अंदर जिस हैबिटेट के अंदर ये मौजूद वहाँ वहां पे प्रे कम हो जाता है प्रे खाने के लिए नहीं मिलता तो ये बहुत कम प्रे पे भी गुजारा कर लेते हैं इवन ये कई महीनों तक बगैर खाए पिए गुजार सकते हैं उसके अलावा जब प्रे की शॉर्टेज हो जाती है तो ये देखा गया है ये अपना मेटाबॉलिक रेट काफी रिड्यूस कर लेते हैं जिससे इनकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक कम हो जाती है स्पाइडर्स के अंदर यह सलाहियत भी मौजूद है कि अगर इनका जो प्रेफर्ड प्रे है वो फील्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है तो ये प्रे स्विचिंग कर लेते हैं ये किसी भी अल्टरनेट प्रे के ऊपर फीड करके अपना गुजारा करते हैं क्योंकि ये जर्नलिस्ट प्रेटर्स हैं ऑल्दो दे प्रेफरेंसेस लेकिन अगर इनकी प्रेफर्ड फूड फील्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है तो फिर ये किसी भी इंसेक्ट्स के ऊपर या किसी भी और अल्टरनेट फूड के ऊपर गुजारा कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं एक अच्छा प्रीडेटर वो होता है जो ना सिर्फ पेस्ट की डेंसिटी को कंट्रोल करता है बल्कि इट आल्सो रेगुलेट इट्स ओन नंबर स्पाइडर्स के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि जब इनकी तादाद एक खास हद से ज्यादा बढ़ती है तो दे स्टार्ट ईटिंग इच अदर आमतौर पर यह देखा गया है कि जब फूड शॉर्टेज हो तो अपने नंबर को एक खास हद से बढ़ने से बचाने के लिए यह कैनबलिज्म स्टार्ट कर देते हैं जो लार्जर स्पाइडर्स हैं दे स्टार्ट फीडिंग ऑन द स्मॉलर स्पाइडर्स सो दैट देयर नंबर रिमेन इन चेक उसके बाद यह भी देखा गया है के स्पाइडर्स की मौजूदगी के अंदर जो प्रे है वो प्लांट को लेस डैमेज कास करता है इस वजह से इनकी मौजूदगी फार्मर्स के लिए फायदेमंद है क्योंकि फील्ड के अंदर अगर ये मौजूद रहेंगे तो उससे फसलों को नुकसान कम होगा उसके अलावा ये भी देखने में आया है कि स्पाइडर्स डायरेक्ट मोर्टेलिटी के साथ साथ इनडायरेक्ट किलिंग करते हैं क्योंकि जो स्पाइडर्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं प्लांट के अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक जिससे जो इंसेक्ट्स हैं इनके एग्स डिस हो जाते हैं अपनी जगह से वो जमीन पर गिर जाते हैं क्योंकि जमीन पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट है वहां पे टेम्परेचर डिफरेंट है जिसकी वजह से वो हैच नहीं कर पाते स्पाइडर्स क्योंकि ये एक्सीलेंट प्रीडेटर्स हैं ये टॉप डाउन इफेक्ट शो करते हैं ये फंक्शनल रिस्पांस शो करते हैं ये न्यूमेरिकल रिस्पांस शो करते हैं और ये रिस्पोंड करते हैं टू द पेस्ट डेंसिटीज यानी फील्ड के अंदर जिस जगह पे पेस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है ये उसको फॉलो करते हैं और उसके नंबर को कम करते हैं ये पेस्ट की डेंसिटीज़ को बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल रखते हैं जब तक पेस्ट का नंबर बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल रहता है तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान फेस नहीं करना पड़ता लेकिन अगर पेस्ट का नंबर इकोनॉमिक इंजरी लेवल से बढ़ जाता है तो फिर पेस्ट को ना सिर्फ कंट्रोल करना मुश्किल है बल्कि अगर हम उसको पेस्टिसाइड के जरिए भी कंट्रोल करना चाहेंगे तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो काफी ज्यादा होगी तो इस वजह तो से स्पाइडर्स के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि ये पेस्टिसाइड के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर खासतौर तो पर जब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्पाइडर्स का रोल बहुत अहम है ये इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स है